बच्चों जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 संबंध व फलन, जिसकी विविध प्रश्नमाला अभी चल रही है। इसके कुछ प्रश्न हमने पिछले वीडियो तक ढंग से सॉल्व कर लिए और आशा करता हूं आपको समझ भी आए होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बोला था कि आगे वाले प्रश्न पहले आपको ट्राई करना है, तो यदि किसी बालक ने या बालिका ने वो प्रश्न ट्राई नहीं किए तो पहले ट्राई कर लो, उसके बाद वीडियो देखना है, ठीक है। चलो आइए, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। अच्छा अजीब सा लग रहा है, तो अजीब सा नहीं है, बहुत आसान है। इसका मतलब x और इसका मतलब y है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर r से r में एक फलन है, यानी कि इसका प्रांत बच्चों क्या हो गया, इसका मतलब यही तो है, f एक फंक्शन है, फलन है r टू r, तो इसका प्रांत रियल नंबर हो गया, उससे अप्रांत भी रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या होगी। एक फलन है f का, परिसर निर्धारित कीजिए, परिसर निकालना है बच्चों, है ना। तो प्रांत और परिसर के बड़े बड़े क्वेश्चन अपन कर ही रहे हैं ना। तो बच्चों देखो, इसका ये फंक्शन हमारे पास क्या है, y बराबर x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 1, यही तो है, है ना भाई, x और y। अब बच्चों तुम एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ना, x का मान तुम कुछ भी यहाँ पे रख लो, कुछ भी तुम्हारा मन करे वो रख लो, x का मान कुछ भी अपन रखेंगे, क्या अंश, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अंश, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, यानी कि हर। तो बच्चों हर अंश से बड़ा होगा ही होगा ना, बोलो हाँ है ना, यानी कि यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हर हमेशा किससे बड़ा होगा बच्चों, अंश से। अब देखो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम्हें पूरी लैंग्वेज लिखनी है। दिए गए फलन में हम देख पा रहे हैं अपनी भाषा में कि हमेशा हर अंश से बड़ा होगा, चाहे x का कोई भी मान यहाँ पर अपन रखें, ठीक है। यानी कि इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर हमेशा बड़ा होगा किससे बच्चों, अंश से। बच्चों जब हर अंश से बड़ा होता है, यानी कि नीचे वाला नंबर जो ऊपर वाले से बड़ा होता है, तो हमेशा आंसर आता है बच्चों बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, कुछ भी ले लो, 1/2 ले लो 0.5, 1/4 ले लो 0.25, 1/5 ले लो 0.20, कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी, यदि हर ऊपर वाले से बड़ा है, अंश से बड़ा है, तो हमारा आंसर किस किस के बिटवीन आता है बच्चों, बिटवीन 0 एंड 1, 0 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, बिटवीन 0 एंड 1। बात समझ में आ रही क्या भाई, कैसे आएगा बात, 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 तो तब आएगा जब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऐसा हो गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा, अनिर्धारित रूप हो जाएगा। 1 कब आएगा, जब दोनों सेम होंगे, सेम तो कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तुम क्या कहेंगे बच्चों, फलन है ना, दिया गया फलन y बराबर fx x स्क्वायर प्लस 1 है ना, x बिलोंग्स टू 0 एंड 1, x बिलोंग्स टू 0 एंड 1 है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू नहीं, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, तुम तो प्रॉपर लिखो ना, कि दिया गया फलन हमेशा 0 तथा 1 के मध्य मान देगा, बोलो देगा नहीं देगा, है ना। इसका मतलब अगर ये फलन 0 तथा 1 के मध्य मान देगा, तो ये परिसर ही तो आ गया। परिसर क्या होता है, y के वे सभी मान, y के वे सभी मान जिन पर x के मान रखने से हमें मान प्राप्त होते हैं, कहने का मतलब y के जितने संभव मान है वो सब क्या होते हैं, इसके परिसर होते हैं, यानी कि बिटवीन 0 एंड 1। तो हमारा आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, y परिसर, ठीक है, y रियल नंबर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, खत्म कहने भाई। वास्तविक संख्या आ सकती है ना, तुम पॉइंटों में रखो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, हमेशा 0 और 1 के बिटवीन आंसर आएगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बात समझ में आ गई, अपनी भाषा में आपको सॉल्यूशन लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है। अच्छा ऐसा प्रश्न तो हमने पहले ही कर लिया है ना, मान लीजिए कि जी आर टू आर, कि f एक फंक्शन, एक संबंध f है जो कि जी आर टू आर है, f और g रियल टू रियल, ठीक है, प्रांत इसका r हो गया और इसका सहप्रांत भी बच्चों क्या हो गया, r हो गया, fx दो फलन है, fx का मान क्या दे रखा है बच्चों, x प्लस 1, gx का मान बच्चों क्या दे रखा है, 2x-3 द्वारा परिभाषित है, तो हमें f प्लस g निकालना है, m-g निकालना है, ये f अपॉन 8 नहीं है, एफ बटा जी है, थोड़ी सी मिस टाइपिंग है, मिस प्रिंट है, तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, आ जाओ,
एफ प्लस जी एक्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस वन प्लस दो एक्स माइनस तीन, तो बच्चों दो एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स और ये माइनस तीन प्लस एक माइनस का दो, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं, ध्यान से देखना, देखते हुए चलो बच्चों, हमें क्या निकालना है, f माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स में से क्या घटा देंगे बच्चों, जी एक्स घटा देंगे, इसका मतलब x प्लस एक में से क्या घटाना है, 2x माइनस तीन, अब इसको घटाओगे तो 2x का साइन माइनस का हो जाएगा और 3 का बच्चों प्लस का हो जाएगा, तो x में से 2x गया तो बच्चों कितना बचा, माइनस का x और ये 3 और एक 4। अरे बहुत आसान है ना, ऐसे क्या देख रहे हो, कर लो फिर खुद ही यार, वीडियो पॉज करके एक बार फिर मैच करना। नेक्स्ट, f अपॉन जी, दोनों को भाग भी दिलवा के मानेगा भाई ये तो, है ना, तो आ जाओ एफ एक्स बड़ा जी एक्स, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एफ एक्स एक्स प्लस एक है और जी एक्स दो एक्स माइनस तीन है। अब याद करो ऐसे प्रश्न, ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही पढ़ा दिए तुम्हें कि इनकम्प्लीट है ये, अधूरा अभी तक। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा कि एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए बताओ, यहाँ पे x का मान तीन बटा दो हो जाता है, तो दो से दो कैंसिल जीरो, और हमें पता करे जीरो हो गया तो फलन परिभाषित कभी होगा ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर नहीं है किसके, तीन बटा दो के, तथा x तो रियल नंबर होगा ही होगा, ये लीजिए खत्म। तो बहुत आसान है बच्चों, अब तुम्हें वापस क्या करना है, आगे वाले प्रश्न ट्राई करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, तो जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, करो प्रैक्टिस।